सिद्धार्थ नगर में नवरात्रि के अवसर पर फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मन्नी ज्योत में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। फलाहार कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि हिंदुओं में एकता बनाए रखने के लिए इस तरह का आयोजन काफी सराहनीय है। अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदि शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना हम कार्तिक और चैत्र नवरात्र में करते हैं। यह नौ दिन कार्तिक का हमारे लिए बड़ा विशेष महत्व होता है। हमारा जो हिंदुत्व जागरण का अभियान है उसमें नवरात्र का बहुत महत्व है कि अष्टभुजी देवी माता दुर्गा आठों भुजाओं से दो दो भुजाओं को एक एक वर्ण के आधार पर यह संदेश देती हैं। जब उनको ध्यान से हम उनकी आराधना करते हैं कि अगर सारा हिंदू समाज इकट्ठा हो जाए, चारों वर्ग इकट्ठा हो जाए, तो हिंदू समाज कहीं कमजोर नहीं रहेगा। और यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। महत्वपूर्ण इसलिए भी और है कि यह मन्नी ज्योत में श्री लवकुश ओझा जी के नेतृत्व में या यहाँ की कमेटी में जो भी लोग हैं सबके सहयोग से पिछले 3 वर्षों से परंपराएं शुरू तो की जाती हैं लेकिन निर्वहन नहीं हो पाती। आज यह कार्यक्रम 3रे वर्ष भी निर्वहन हो रहा है, इसलिए हम पूरी कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से। और माता जगत जननी जगदम्बा से यह प्रार्थना करते हैं कि यह कार्यक्रम निरंतर होता रहे, सामाजिक एकता बनी रहे, हिंदू समाज की एकता बनी रहे। माता आदिशक्ति जगदम्बा माँ पाटेश्वरी, चूंकि माँ पाटेश्वरी की शक्तिपीठ हमारे नज़दीक है, उनकी कृपा यहाँ पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए। और यहाँ पर आज के फलाहार में हम सारे लोग शामिल हो रहे हैं, इसीलिए यह कार्यक्रम आज का महत्वपूर्ण है। News को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। We'll be right back.